सिंगरौली जिले में भाजपा कार्यकर्ताओं किसानों के द्वारा सर्वव्यापी खेत धरना विरोध प्रदर्शन किया गया। बैढ़न कलेक्ट्रेट के बगल में भाजपा एवं किसानों ने एकत्रित होकर धरना प्रदर्शन के माध्यम से कमलनाथ सरकार द्वारा दिए गए वचनों के आधार पर अमल नहीं किए जाने को लेकर जमकर नारे लगाए। भाजपा कार्यकर्ताओं किसानों ने कहा कि यदि निश्चित समय सीमा में हम लोगों को शासन द्वारा दिए गए वादे के अनुसार योजना का लाभ नहीं दिया गया तो धरना प्रदर्शन आंदोलन लगातार अपने हक की लड़ाई के लिए हम इसी प्रकार धरना प्रदर्शन कर सोई हुई कमलनाथ सरकार को जगाने के लिए आंदोलन करते रहेंगे। आज भारतीय जनता पार्टी प्रदेश के आह्वान पर हम इस सिंगरौली जिले में प्रत्येक मंडल स्तर पर खेत धरना प्रदर्शन का आयोजन कर रहे हैं। आप सबों को विदित होगा कि यह मध्य प्रदेश की कांग्रेस की सरकार किसानों को यूरिया खाद तक भी उपलब्ध नहीं करा पा रही है। आज हमारा किसान त्राही त्राही किया हुआ है, यूरिया खाद को लेने के लिए लंबी लाइनें लगी हुई हैं, उन पर लाठी चार्ज कराए जा रहे हैं, जबकि हमारे मध्य प्रदेश सरकार के पास में 27,000 मीट्रिक टन पहले से उपलब्ध था और केंद्र सरकार ने 15,00,000 मीट्रिक टन यूरिया खाद और मध्य प्रदेश सरकार को भेजा है। 250 रुपये में जो बोरी भी यूरिया खाद की प्राप्त होती थी वो आज के दिन 200 रुपये ज़्यादा लेकर के लोगों के द्वारा ब्लैक मनी लेकर के यूरिया खाद दिया जा रहा है। हमारा मध्य प्रदेश का किसान अपने आप में ठगा हुआ महसूस कर रहा है, छला हुआ महसूस कर रहा है। आज भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता अपने किसान भाइयों के साथ में बैठ कर के इस कृषि उपज मंडी के सामने में और प्रत्येक मंडल पर सोसाइटी के समक्ष जो है हम लोग खेत धरना प्रदर्शन के रूप में यह कार्य कर रहे हैं। भारतीय जनता पार्टी इसके विगत 2 माह से मध्य प्रदेश की सोई हुई सरकार को जगाना चाह रही है, लेकिन यह सोई हुई सरकार चेत नहीं रही है। आने वाले समय में अगर भारतीय जनता मध्य प्रदेश में यह कांग्रेस सरकार इसी तरह से